दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टुक टुक टैकबोट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाई प्रेशर पंप की फ्लशिंग कैसे करते हैं। 599 सीसी इंजन जो होता है डीजल का BS6, उसके अंदर हाई प्रेशर पंप का यूज़ किया जाता है तेल को इंजन तक, फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक तक टाइम पर तेज़ी से पहुँचाने के लिए। ये इंजन कहाँ लगता है ये इंजन में कहाँ लगता है पार्ट और इसकी फ्लशिंग कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। ये जानकारी हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को और उनकी गाड़ी के मालिक को होनी चाहिए ताकि वो इस पंप की फ्लशिंग करवा सकें यदि कभी कोई गाड़ी में दिक्कत आती है। पंप बदलने से पहले मैं सुझाव दूंगा कि इसकी फ्लशिंग कर लीजिए, हो सकता है कि पंप ठीक हो और फ्लशिंग ना होने की वजह से आप इसे बदल लें तो ऐसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पंप कहाँ लगता है। ये पंप यहाँ पर, ये गाड़ी में यहाँ पे लगा हुआ है, काले वाला जो पाइप है इनलेट का, और जो जहाँ भैया ने हाथ लगाई उंगली ऊपर स्टील पे लगाई थी अभी, वो इंजन में इंजेक्टर में फ्यूल डिलीवरी ब्लॉक में, वहाँ से फिर इंजेक्टर में तेल जाता है। और ये जो नीचे रबर का पाइप है मटमेला, हाँ ये वाला, ये इसका रिटर्न लाइन है। अभी जब भी आप फ्लशिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको सारे कनेक्शन लगा के रखने हैं, उसके बाद आपको फ्यूल टैंक के अंदर ये फ्यूल टैंक है, डीजल टैंक है, इसके अंदर जो पंप है इस काले स्क्रू से लाइन का सारा हवा सिस्टम का एयर निकाल लेना चाहिए। यदि इस स्क्रू से आप एयर निकाल लेंगे स्विच ऑन करने के बाद, और उसके बाद हम ड्राइवर कैबिन में चलते हैं। जो प्रोसेस है, पहला आपने देखा पंप कहाँ पे है, उसके पाइप कहाँ लगते हैं, उसके बाद ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से आप यहाँ से फ्यूल फिल्टर से लाइन की एयर निकालेंगे, पंप की एयर सिस्टम से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं गाड़ी पे। गाड़ी में जाने से पहले सबसे पहले आपने इग्निशन स्विच ऑन करना है। इग्निशन स्विच ऑन करते यहाँ पे लाइट जलेंगी, इनमें से सभी लाइटें बंद हो जानी चाहिए, आप देखेंगे सभी लाइटें बंद हो गई हैं। उसके बाद आप क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, स्विच ऑन रहेगा, और अभी ये एक्सीलेटर को पूरा खींचिए। अभी आपने एक्सीलेटर पूरा खींचा है, क्लच दबा हुआ है, यहाँ पर अभी फ्लशिंग होगी, कुछ समय दीजिए, ये फ्लशिंग होनी शुरू होगी, देखिए ये देखिए, और साथ के साथ मोटर में से भी आवाज आनी शुरू हो गई है, ये देखिए। तो ये जो प्रोसेस है ये चलेगा, ये प्रोसेस 3 बार होगा फ्लशिंग का। अभी ये पहली बार चल रही है, क्लच दबा हुआ है, एक्सीलेटर पूरा खींचा हुआ है, स्विच ऑन है, ये देखिए ये फ्लशिंग स्टार्ट हो चुकी है। दो बार ये हो चुकी है, अभी तीसरी बार कब स्टार्ट होगी, आप देखेंगे सभी बैटरी लाइट ऑन है, इंजन लाइट ऑन है, और ये फ्लशिंग हो रही है। ये जो लाइट जल रही है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखिए फ्लशिंग के लिए आ रहा है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो पीछे मोटर की आवाज आ रही है। ये टोटल प्रोसेस 3 बार होता है, 2 बार हो चुका है, हेलो आरएमडी मेरे भाई। ये अब आप देखेंगे फ्लशिंग, ये लाइट आनी बंद हो गई है, फ्लशिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप पीछे आके देखेंगे तो यहाँ पर भी मोटर की आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो इसके अंदर जो फ्लशिंग है, फ्लशिंग होने के बाद आपका जो पंप है वो प्रॉपर काम करेगा। यदि उसके बाद भी आपका हाई प्रेशर पंप काम नहीं कर रहा है तो आपको पंप बदलना चाहिए, अदरवाइज पहले आपको फ्लशिंग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको दी गई जानकारी काफ़ी पसंद आएगी और आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, बिकॉज हाई प्रेशर पंप एक थोड़ा सा महंगा पार्ट होता है और इसका वैसे ख़राब तो नहीं होता है, बट कई बार क्या होता है कि हम सिस्टम में से लाइनों को खोलते हैं या फिर कभी इंजन खोलना पड़ता है उसके बाद, या फिर फ्यूल टैंक की सफाई करते हैं तो ये सिस्टम के अंदर एक लाइन आ सकती है। तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए और इससे आपका टाइम भी बचेगा और कस्टमर के पैसे भी बचेंगे। उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, यदि आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।